स्वागत है दोस्तों आप सभी का बस्तर आइडियल ब्लॉग्स पे। सो दोस्तों आज का जो ब्लॉग्स है, ये जो वीडियो है, ये थोड़ा सा यहाँ का लोकल लैंग्वेज में होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लोकल लैंग्वेज जानते हैं यहाँ के बस्तर के आदिवासी। तो दोस्तों इसमें नॉर्मल तरीके से मैं पूछने वाला हूँ सहदेव के पिताश्री से, है ना, गुड्डी दीर्दो नाम है आपका, है ना जी। तो उनसे पूछने वाला हूँ कि अभी जो घर बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, किन्होंने कितना पैसा दिया, क्या क्या सुविधा मिल रहा है, क्या कुछ है, ये डिटेल जानते हैं। थोड़ा वीडियो क्वालिटी ख़राब हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन शाम हो रहा है क्योंकि सर भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों व्यस्त है, क्योंकि कोई ना कोई मीडिया वाले, टीवी वाले आ रहे हैं। अभी भी मेरे पास दो मिनट पकड़ रखा हूँ, क्योंकि अभी इनको भी जाना है बॉम्बे के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए, आपका जो घर है अभी बनने वाला है कि बन रहा है? नायद लोनू सरकार तोड़ के तम तो सरकार बने मेहनत किसी तो मीन तोड़ बने मेहनत की आई वो मती ननद मारतीन पुनोन और के तम तोड़ की नई तद बोर कोटी तो इतद किसी तो तलब किसी तो इंजो नाकिन के तम तोड़ बाकी सी नोड़ आयो बात मती नदी दे नद माट ननतान पुनोन। तो सर का बोलने का तात्पर्य है कि इतना सारा जो सुविधा मिलने वाला है, बोर खुदाने वाले, घर बनाने वाले, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनको कुछ पता नहीं। एक्चुअल में बोल तो रहे हैं, वादा तो किया जा रहा है, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता नहीं है। तो अभी आप बादशाह सर से मिलने गए हैं ना, तो बादशाह सर ने आपको कुछ पैसा वैसा दिया? तो बादशाह सर ने मिले मैं मत तो पैसा ई वर पै टमाटा के तो लेकिन नन लो सी तन नियत खाता तक जमा था जो के तरत बिन पैसा ही लो माई माटा के स्वत तो उन्हें मिले मत। तो दोस्तों सर बोल ले रहे हैं कि ये जाके वहाँ पे मिल के आए और अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ऐसा बादशाह सर ने इन्होंने कहा है ना। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी आप सहदेव जो है इंडियन आइडियल में गया था, तो कौन कौन गए थे आप लोग? मोबू मन मतम सुख मतर पिंटू मनकपुरी और सहदेव बाबू मैं गुड्डी राम दीर्दो जी, चार लोग गए थे, है ना सर के साथ जी। तो दोस्तों इंडियन आइडल में जाने के बाद आप लोग वहाँ पे बॉम्बे गए थे, मुंबई में एक बहुत बड़ा सिटी है दोस्तों, तो वहाँ पे आप लोग कहाँ रुके थे? तो मुंबई एन मत तो उन बात को तो तदु ये होटल तद बिल्डिंग तक मत तो मम्मा रूम तक उन दिन तद रूम तक 3000 रुपये न दो रूम किराए एक दिन का दोस्तों 3000 किराया था आग मत्तम मून दिना आग तीन चो रेन दिना मत्तम गले उन दिन तदु बासा साबिन कल तो गले आग माटा वेह तो गले रेन मून माटा ना पाठ पर केत्तर गले ये तो केत्तर बासा साब नासा है। तो दोस्तों ये तो था। अब जानते हैं कि जो सहदेव भाई के जो पिताश्री है, उनका मुख्य काम क्या है, वो घर में पहले क्या करते थे, सहदेव को कैसे पढ़ाए, अभी सहदेव पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है, क्या करने वाला है सहदेव, ये बात करते हैं। मुनेनु पिलता सुटू ही चुटू रिना खर्चो मतर पहली दूसरी खर्चो मत तन के भगत छोड़े खर्चो मत तन के गुरु जी के तौर के ही बाले पगल आतर पे कल आश्रम तक पड़िया वाठी तने जो कैस मंजू सुख गुरुजे पेंदाल नार आश्रम तक वाठी तर एडवेशन की चीज तो रगा वो तो ना तो मोबाइल ते माट के स्तर गले आगे ता तो माट तीन नो के स्तर गले पाटा पुत्र गले सरु में ना वीडियो बने मत तक मना देश ते ने संतोष मंडावी। स्तर के वासियों के लिए एक मैसेज है उनके पिता गुड्डी दीर्दो की तरफ से, तो चलिए जानते क्या है। नामर इंजे वेंडे ज़्यादा पाटा पारे पोड़े पोड़े को नहीं और पाटा चेंगा तो पूरा तग पारम तोर ईश्वर तदु गंज मंजू देश तीन दुनिया तोर उड़म तोर वे नदु देश तग पले मत्ता पूरा बेसर मनत बार कुत्त सोरते वे न पूरा पले मत्ता सादे पापन अदु बारकते। तो दोस्तों जो सहदेव भाई का जो वीडियो है, यहाँ ही नहीं पूरा विदेश में भी पॉपुलर हो रहा है। धीरे धीरे आप लोग बेशुमार प्यार देना, उनके पिताजी का आशीर्वाद है। अभी आप लोगों ने जो इनका वाणी सुनी, ये यहाँ का लोकल लैंग्वेज है गोंडी, ये इसलिए ये जो वीडियो है देने का मकसद है यहाँ के लोकल लोगों को इनकी वॉइस पहुँचाने का, क्योंकि ये थोड़ा हिंदी नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हो, है ना जी। तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सादे पापालू ये तद वर्ष ते सातवीं पोड़े में आयम तोर मुने पाँचवीं तुटू ई पाटा निकला कि तोर
आगे तीन चौड़ सेठवी मतरी सातवी पोड़े मैम तर ये गुरु तग गुड्रा तग आश्रम तग सातवी तग एतर जी जी। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? हम अनपढ़ी है ननको ने कोई बात है पुनोन ना अनपढ़ी माने तो ना खेती कमाई तो ना जी जी। हाँ दोस्तों, जो उनके जो पिताजी हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ये वायरल नहीं हुआ था तब भी उनको पढ़ाते थे अच्छे खासे स्कूल में। उनके गुरुजी हैं, उनके पड़ोसी हैं, सब उनके विलेज वासी हैं, देख सकते हो सब हैं यहाँ पे। तो अच्छा खासा पढ़ाई चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अभी पढ़ाई करने वाला है। और जो घर का जो करता धरता ये है, तो मैं इनको आपके लोकल लैंग्वेज में यानी कि गोंडी भाषा में इसलिए इंटरव्यू करा रहा हूँ क्योंकि इनको थोड़ा हिंदी में तकलीफ होती है, अपने जो भावनाओं को क्या कहना चाहिए आपके सामने नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने इनको गोंडी में रखा। तो आप लोग हिंदी भी जानते हो तो भाई पूरा शेयर करना। ये उनके पिता का एक भावना था जो आप लोग के सामने इनके लोकल लैंग्वेज में क्या कहना चाहिए आपके सामने लाया, क्योंकि अगर इतना चीज़ों को मैं ट्रांसलेशन करना बैठ जाता तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी होती। तो अब अंत में मैं इनसे कहना चाहूँगा, अभी आप कहाँ निकलने वाले हो अभी तुरंत? मम्मी जी सात बजे थे मम्मी जी निकले मैम तम बम्बई था एम तम सादे पापाल गलाय और सुगमतर पिंटू मणकपुरी गलाय दायम तुम जी जी। तो हम इनके बहुत अच्छा हो, तो हम आज का जो वीडियो है यहीं पे क्विट करते हैं और इनको भी अभी टाइम देते हैं सफर करेंगे। तब तक देखते रहो, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद। तो सभी लोग को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय आदिवासी, शेयर जरूर करना।